मानने में जितने बोले कितने चलेगी रहती है तो मैं नहीं करूंगा। अगर होने आगे ऐसे भी देख लेना, बैंक जरा सी गार्ड है, थाने भी इतना सा बैंक का, वो भी बता इतना सा थाने वो भी देख लो। देखो जी पैसे भी बता दिया आपने साहब। पांच टन है खान साहब, पांच टन है जी, पांचों चलते हुए यार। क्या बात है, चटक भी है पैरों में भैंस के, चटक है ठंड गाओ भाई ठंड। ये देखिए दो इस साइड है और तीन उस साइड है, मतलब 80,000 आ गई। हां मांगी कितने की तुमने? 80-50। मैं तो आज कुछ नहीं लगाऊंगा, कुछ लगाऊंगा फिर मांग चल मांग पट करके। हो गए इधर भैया, हो गए इधर, हो गई ओ यार इधर, हो गए उधर, कैसे हो गई सौदा, इधर कैसे कर रहे हो, बात करो ना भाई इसकी फिर। ओ यार हो गई ये, हो गए इधर बैठ तो भाई, पता तो बाब ब्याने के बाद ही भैंस का पता लगता है। अभी थन तुन चेक करेंगे, अभी सौदा जमना चाहिए, उसके बाद पास करके बताएंगे कैसी है क्या है। ठीक है, जब तक तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। भैंस तो कैसा है, यावन भैंस बंद मुट्ठी होती है, निकल जाए तो लाख की, नहीं तो खाक की। सही है, अरे नुकसान नुकसी हो जाओ तो फिर गो तो सही बात है तुम्हारी, लेकिन नुकसान नुकसी हो जाना, नुकस तो चाहे 1 रुपए का हो, पपाई भी हो जाएगी साली, उसमें भी नुकस हो जाओ सामने दे तो लगा दे पैसे, चंगे लगे ले लो पैसे। हां जी, हां क्या कर रहे हो बताओ, चंगा जी उसी फड़ा ला दे रस्ता तो देनी कितने की है, राजा कितने की है बता ही तो, राजा बोलो 10,000 की जाएगी, इतने की बिक्री क्या, पांच थाने भैंस के इतने की बिक्री क्या भाई, हां जी कटता नहीं हण, काम तो नहीं बाद ही अदा ना। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑल पे कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। ये देखो जी, ये खान भाई देखने लगे हैं अभी इस भैंस को। और खान भाई कैसी है ये दूध की भाई, पता तो बाब ब्याने के बाद ही भैंस का पता लगता है। अभी थन तुन चेक करेंगे, अभी सौदा जमना चाहिए, उसके बाद पास करके बताएंगे कैसी है क्या है। ठीक है, जब तक तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। भैंस तो कैसा है, यावन भैंस बंद मुट्ठी होती है, निकल जाए तो लाख की, नहीं तो खाक की। सही है, सही है, अच्छा नहीं है। कितने चलेगी रहती है? अगर होने आगे ऐसे भी देख लेना, बैंक जरा सी गार्ड है, थन भी इतना सा भैंस का, वो भी बता इतना सा थन है वो भी देख लो, जो थन में दूध होता है भैंस की थन में, ऐसा कम कम थन का आता है, मुट्ठी वाला होना चाहिए है बिल्कुल बड़ा थन। आ जाओ आगे आ जाओ, तो क्या क्या मांग क्या रहे थे वैसे खान भाई? 1,000 रुपये। अच्छा 90 मांग रहे हैं, ठीक है, डबल मांग लो, बकरी वाला हिसाब है। अच्छा, जो बकरी के मांग लेते ना, हाँ 50 की मांग दी और 20 की देनी बाद में। अच्छा पे बस और क्या है, ठीक है, 90 मांग रहे तो 55-60 का सौदा होएगा, इतना ज्यादा फर्क रहता है। हाँ जी, पंच खाने बोलो,
देखो जी पैसे भी बता दिया आपने साहब। पाँच टन है खान साहब, पाँच टन है जी, पाँचों चलते हुए यार। क्या बात है, चटक भी है पैरों में भैंस के, चटक है ठंड दिखाओ भाई ठंड। ये देखिए दो इस साइड है और तीन उस साइड है, तो ये क्या सब काम करेंगे? काम तो सब करेंगे, अगला थन थोड़ा हल्का लग रहा, दबाओ भैंस का। इधर करना थोड़ा सा, बस बस बस। कौन सा बच्चा भैया? भैंस कितने की होगी बताओ, चलो बताओ भैंस बताओ, देने की 60,000 रुपए लगा। थन भी देख लो ना, 5 है भैंस के नीचे आज। वो दूसरे लोड तो बाद की नसीब की बात है, कौन सा लोड बिकती है वो तो सब नसीब की बात है, सही है कि नहीं? हाँ सही, नसीब की खेल है। तो बच्चा लगा लेते हैं। हाँ वो गाबन तोड़े ही है बच्चे, देखिए थन भी छोटा है, मैच का इतना बड़ा थन नहीं है। हाँ देख रहे हैं पांचों, रुपए मिलेंगे 70,000 कहता हो तो पास कर लेंगे, बच्चा छोड़ ले सही है, बोल कह दो बच्चा छोड़ पास करवा। 70 लगा दिए जी भाई ने, 70। अब वो भी कह रहा 85 लगते हैं, ये देख रहे हैं जी, देखे कितने मांग रहे हैं? 1.5। अगर मोल करे ना मिलता जुलता तो फिर कुछ होगा, ऐसे कितने का माल है? किसानों की बात सुनो हमारे से, जो बकरी हम महाराष्ट्र में जाके 20 की बेचते हैं, यहाँ का किसान 40 की लेता है उसे, यहाँ के किसान सीधे हैं बेचारों, कोई पता नहीं, दूध पी के वो सोचते चल जो मिलेगा मिल जाएगा, होशियार नहीं, यूपी के व्यापारी होशियार है, 1-1 रुपए को भी देखते हैं भैंस के पीछे, 1,500-1,500 रुपए पे भी लड़ते हैं सौदे के लिए, है जी सही है। किसान नहीं सोचता इस चीज को, सोचता चल यार जो हो गया 10-20,000 रुपए महंगी या सस्ती घर की तो रखनी है जी, सही है, मानते कि नहीं ये बात को? बिल्कुल बिल्कुल सही, तुम्हारा खाता भी अच्छा, गद्दे का काम था पुनिया का, ठीक है जी, वो भी हमारे यहीं रहता था, कौन मौला रखा था, पुनिया तो नहीं था, कलकत्ते का काम था उसका। अच्छा कलकत्ते के तो बहुत लोगों का काम है जी, मंगते हर के लूसे के सूते का सबको जानता है, रिश्तेदारी है मेरे, सब रिश्तेदार है मेरे, सब हमारे अपने थे, वो तो लोड लगता था आपको, कलकत्ता काम कर दिए, डॉक्टर को फोन लगाना, सुई भी तो दिख रही कब की है, खुद ही बता रही है, पेट में पेट का दर्द बहुत, जितने गांव है बहुत, तो बुखारी आता था क्या नाम, अब यहाँ से जाती मंदी भैंस यूपी के अंदर है, हाँ जी यूपी से लाके भैंस यहाँ बेच रहे हैं। अच्छा हमारे रिश्तेदार जितने भी है ना, घोड़ी आ रही है तुम्हारे उधर यूपी से, तीन महीने देती है, 3 महीने दूध देती है, ये देगी साल भर दूध, साल भर वो देगी तो देख के लेंगे, ऐसा थोड़े सारी दे देंगे, सारी दे देती है जी पंजाब की, तो पंजाब की भैंस भी इतना नहीं लड़ती, इतनी हरियाणा की लड़ती है, 6 महीने हरियाणा की भैंस 6 महीने ज्यादा लड़ती है। अच्छा हाँ जी हरियाणा की फिर बढ़िया हो गई है, बढ़िया भैंस
ठीक है जी। ना जी बताओ मांगी कितने की तुमने? 85 मैं तो आज कुछ नहीं लगाऊंगा, कुछ लगाऊंगा फिर। मांग 65 की मांग चल मांग पट करके मैं भी आ रहा यार कम ज्यादा हो रहा मेरे हिसाब से तो अगर इतने की हो रही तो कर ले कर अगर हो रही तो पूरे की चल बस देख ले हो रही तो कर ले हो गई इधर भैया हो गए इधर हो गई ओ यार इधर हो गए उधर कैसे हो गई सौदा इधर कैसे कर रहे हो बात करो ना भाई इसकी फिर ओ यार हो गई ये हो गए इधर बैठ तो जी जो बैठ पसंद है अगर मैं हम तुम्हारे लिए ले रहे हैं हमारे कोई ऊपर आ जाए हम थोड़ी आने देंगे कैसे कानून भी होते हैं ना कैडी है बहुत फर्रा मार रही फैल होगी बहस फैल होगी अपने मतलब की पैंसठ की होगी कल बहस को है बैच छुटेगी फैल होगी बहस आ जाओ जी भैंस के फर्रा भी है और कैडी भी है भैंस और दूध भी रुका हुआ भैंस का दो टाइम का हाँ जी चेक करती है धार पे पता लग जाता हाँ जी इसका क्या मांग रहे हैं हाँ जी कट्टी का क्या मांग रहे हैं चलो क्या हुआ फैल हो गई है हो गई ना भैंस के फर्रा भी है नब्बे हजार की बिक रही है धूप काले में भी नहीं बिकती नब्बे हजार की झूठिया बिके हैं नब्बे हजार की तो एक झोटी लेके जाएंगे ना बढ़िया वाली छोटी सी मैच लेंगे है ये नब्बे हजार की झूठी लेंगे टॉप की फिर है
क्या कह रहा है? दो कम 90 के मेरे साथ रह गए, सीख जाओगे थोड़े दिन में। ये नहीं, ये रास्ता नहीं देते ये लोग हैं। आ जाओ वही है, इसको तो लगा रखा आपने, मैं वही बोला भैंस तो वही दिख रही पीछे से, लगा दिए पैसे अच्छे लग रहे भाई साहब, ले लो पैसे। तो पैसे भी कम, मैं भी कम मोल नहीं लगा, मोल कम नहीं लगा हुआ, थन भी पांच है भैंस के, सही पैसे मिल रहे हैं। चलता नहीं, लगा नहीं मैं। चार ही चाहिए, अरे नुकस तो नुकसी हो जाओ तो फिर गो तो सही बात है तुम्हारी, लेकिन नुकस तो नुकसी हो जाना, नुकस तो चाहिए 1 रुपए का हो, पपाई भी हो जाएगी साली उसमें भी नुकस हो जाओ। लगा दे पैसे, चंगे लगे ले लो पैसे। हाँ जी, हाँ क्या कर रहे हो बताओ, तो देनी कितने की बताइए, बोलो। इतने की बिक्री क्या, पांच थाने भैंस के इतने की बिक्री क्या भाई? हाजी काटता नहीं, थाने काम तो नहीं बात ही था ना, तेल थाने मार दे अभी जे तेल हो गए मैं कितने बचा दी तो बच्चा लाया सी ना ना बच्चा के नहीं नहीं पास करी भी भैंस तो गारंटी देना ये पास की थी उधर से जाके तो क्या करना है नीटू प्रधान को बुलाऊं जब बन जाएगा? नीटू है क्या यहाँ पे? आया वहाँ फोन तो आया था, आया बकरे खरीदा, हाँ पहचान लिया। मेरठ भेजना 5000 रुपए, वैसे खर्चा 5-7 हजार रुपए। इनके साथ कहां बनेगा? ये तो 15 दिन की 20 दिन की बन गया, 14 बनने का नहीं है, 14 तो लाख वाले का भी बन जाएगा, पर मसला कैसा है भैंस भी तो होनी चाहिए, भैंस किसी घाट है वो ऐसे लंबे बड़ी भैंस है वो तो अपने हिसाब से इतनी बड़ी भैंस कहाँ डालते हैं, हमारी डेयरी में इतनी बड़ी भैंस नहीं चलती, कोई फायदा नहीं, तेरे काम देगी मुंबई में। हाँ मुंबई पुणे के मतलब की है, पुणे के मतलब की है, ये वहाँ यही भैंस पसंद करते हैं, वहाँ बिकती है फिर 1-20 1-25 के भाव में। आइए ये देखो ये डब्बा, ये कर दे रहने दो, रहने दो, रहने दो,
मन कर रहा तो करना रहने तो यार ये तो यहीं दिख जाएगी मैच मैच तो यहीं दिख जाएगी आखिर क्या बोल रहा हूँ 70 की बन जाएगी ये भैंस क्या बने हाँ एक एक वो वाली भी ली है ना आपने वो भी ली है। ये वाली भी दिखा दो जरा ये देखिए ये कैसी है ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी नस्ल की भैंस है ली है अभी देखो उसके वजूद के वो इसके हिसाब के वो 70 की ली है तो इसका कुछ ब्यात वगैरह बताया ब्यात उसका तीसरा ब्यात है जवान भैंस है एकदम ये जवान भैंस है एकदम बढ़िया माशाल्लाह कोई टेंशन वाली बात नहीं ऐसा जैसा कबाड़ा लोग डेयरी में डालते हैं 50,000-55,000 वो हिसाब से भैंस नहीं डाल रहा हूँ माशाल्लाह बढ़िया ही भैंस डाल रहा हूँ तो देखेंगे अल्लाह क्या कामयाब करते हैं एक छोटा भाई है मेरे उसके लिए भैंसे डाल के दे रहा हूँ 20 भैंस मेरे को लेके उसको देनी है फिर उसके बाद तो इंशाल्लाह चलता ही रहेगा अगर किसी भाई को भैंस चाहिए तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाड़ी की गाड़ी बना के पूछेंगे गारंटी के साथ 10 लीटर 12 लीटर 14 लीटर जैसी भैंस जैसा पैसा उसी बोली पर भैंस जाता है ठीक है तो शुक्रिया जी तो देखा आपने आज खान भाई जो पशु मंडी में आए थे और अभी तक 3 भैंस ले ली और भी लेंगे तो उन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद है जो भाई अपने इस छोटे भाई को बेहद सपोर्ट करते हैं हर एक वीडियोस देखते हैं इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ धन्यवाद।